भारतीय रेल की रायपुर शहर के लिए सौगात। रायपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नई परिकल्पना होगी साकार। 467 करोड़ की लागत से किया जाएगा रायपुर स्टेशन का कायाकल्प। स्टेशन के पुनर्विकास योजना के तहत रायपुर स्टेशन पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उनको विश्व स्तरीय स्टेशन की अनुभूति मिलेगी। परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाना है जो आधुनिक होने के साथ विरासत से जुड़ा हो, एक ऐसा परिसर जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को प्रदर्शित करता हो। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रायपुर स्टेशन को बस सेवा तथा मेट्रो सेवा के साथ एकीकृत किया जाएगा। आने और जाने वाले यात्रियों के लिए ड्रॉप ऑफ और पिक अप के लिए अलग अलग जगह के साथ पैदल यात्री प्लाजा की प्लानिंग भी करी गई है। रायपुर रेलवे स्टेशन के स्वरूप और सौंदर्य शास्त्र की परिकल्पना प्रतिष्ठित इमारत के रूप में की गई है, जो केवल कार्यात्मक इमारत की तरह नहीं दिखती है, बल्कि पर्यटकों के आकर्षण और सामाजिक संपर्क का स्थान भी बन जाती है। विचार यह है कि वैश्विक आकांक्षाओं के साथ मिश्रण करने वाले वास्तुशिल्प तत्वों के माध्यम से संस्कृति को बनाए रखा जाए। अटल एक्सप्रेसवे के माध्यम से नया रायपुर को रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए मास्टर प्लान में एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब भी प्रस्तावित किया गया है। स्टेशन का वास्तुशिल्प चरित्र एक प्रवेश द्वार के रूप में है, जो अपने क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं और आकांक्षाओं को दर्शाएगा। नया प्रस्थान काश में यात्रियों का स्वागत करने के लिए प्राचीन सांस्कृतिक वैभव और नवीनतम उन्नत तकनीक एक साथ आएंगे। ऐतिहासिक बस्तर कला से सुसज्जित वास्तुकार ने टर्मिनल को गौरव और व्यक्तित्व की भावना प्रदान करते हुए सदियों पुरानी क्षेत्रीय कला का संरक्षण भी किया है। स्टेशन के डिजाइन में प्लेटफॉर्म और ट्रैक के ऊपर विशाल रूफ प्लाजा का निर्माण शामिल है, जिसमें एक ही स्थान पर सभी यात्री सुविधाओं के साथ साथ बैठने की जगह, रिटेल, कैफेटेरिया, मनोरंजक सुविधाएं और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र शामिल है। ये शहर के केंद्र में नया शहरी स्थान होगा। रूफ प्लाजा की अनूठी विशेषताओं में स्काईलाइट है। ये सुविधा इमारत के अंदर की जगह को रोशन करने के लिए प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करने की अनुमति देती है। इमारत की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है और सर्वोत्तम उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न सक्रिय और निष्क्रिय हरित उपायों को लागू किया गया है। नया स्टेशन इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह के लिए 4-स्टार ग्रीन रेटिंग वाला और एक ऊर्जा कुशल भवन होगा। द्वितीय प्रवेश भवन से शहर के पश्चिम दिशा के गुढ़ियारी, शिवानंद नगर, सोन डोंगरी आदि क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को लाभ होगा। रेलवे स्टेशन के आसान और सुचारू कामकाज के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के साथ साथ अन्य उपयोगिता भवनों की भी योजना बनाई गई है। भविष्य की मांग को देखते हुए अत्याधुनिक गति शक्ति कार्गो हब सुविधा की परिकल्पना की गई है। यह रेलवे स्टेशन अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा, जो आर्थिक गतिविधियों, रोजगार, पर्यटन और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देगा। पुनर्विकासित स्टेशन एक विश्व स्तरीय ट्रांजिट हब होगा, जो रायपुर शहर को विश्व स्तर पर ले आएगा।